झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार में बेतहाशा दौड़ रहे ट्रक ने सड़क पार कर रहे एक किसान को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि सूचना पर पहुंचे पुलिस और तमाम आला अधिकारी और पुलिस जाम लगाए ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में जुटी है। दरअसल पूरा हादसा चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुलारा के पास झांसी कानपुर हाईवे का है, जहां सड़क पार कर रहे 35 साल के किसान शंकर कुशवाहा को बेतहाशा तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने झांसी कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। करीब 3 से 4 घंटे झांसी कानपुर हाईवे वाहनों का आवागमन बाधित रहा। हाईवे पर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम लगने की सूचना पर उप जिलाधिकारी मोठ प्रदीप कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी हरि मोहन सिंह मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि उप जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी आर्थिक सहायता है दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उच्चाधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने जाम खोल दिया। गुलारा के हैं रहने वाले, शंकर नाम था। कितनी उम्र होगी लगभग इनकी? ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग कहाँ जा रहे थे? खेत पे जा रहे थे। उसके बाद परिजन रोड पे आए, उन्होंने मांग रखी अपनी कि हमको जो सहायता है वो मिल जाए। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी शासकीय सहायता है, दुर्घटना कल्याण से जो या बीमा की जो भी धनराशि है, वो इनको नियमानुसार जांच के बाद प्रदान कर दी जाएगी। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।